हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आयत, ठीक है फ्रेंड। और पेरीमीटर पेरीमीटर होता है परिधि, तो आज हम परिधि निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया है रेक्टेंगल आयत, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आयत में आमने सामने की भुजाएं सेम होती है, मतलब जितना यहाँ पर रहेगी उतनी ही विप्त यहाँ रहेगी, और जितना ये हाइट इसकी सेम हाइट ये रहेगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये विप्त, विप्त को मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू से शो किया है, एच एच मेरा हाइट है, ठीक है। और जो डी है डायगोनल लेंथ है मेरी, ठीक है फ्रेंड। अब हमको निकालना है पेरीमीटर, ठीक है फ्रेंड। पेरीमीटर क्या होता है, ये हमको निकालना है पेरीमीटर, ठीक है फ्रेंड। पेरीमीटर होता है कि जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी होती है उसी को ही हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी डब्ल्यू है, फिर यहाँ से यहाँ तक की मेरी एच है, यहाँ से यहाँ तक की मेरी W, देन H। तो पेरीमीटर को P से शो करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2W प्लस 2H, 2 कॉमन है मेरा, बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बच जाएगा W प्लस H। यही है मेरा फार्मूला पेरीमीटर निकालने का एक रेक्टेंगल का, ठीक है फ्रेंड। एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ मैं W बराबर ले लेता हूँ, अगर मेरा W बराबर है 15 मीटर, इसको मैं ले लेता हूँ 15 मीटर, ठीक है फ्रेंड। और एच को ले लेता हूँ मैं 10 मीटर, ठीक है फ्रेंड। डब्ल्यू बराबर मैंने लिया है 15 मीटर और एच बराबर लिया है मैंने 10 मीटर। तो हम इससे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं पेरीमीटर क्या आएगा, 2 डब्ल्यू की जगह 15, 15 मीटर लिया मैंने, और एच हाइट हाइट मैंने ली है 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा पीक वॉज 2 10 15 कितना हो गया 25, और 25 इंटू 2 हुआ मेरा 50 मीटर। तो जो हमने ये बनाया था, इसको 15 लिया, उसको 10 लेने पर जो हमारा पेरीमीटर कितना आया 50 मीटर, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स।